नरखेड़ और काटोल तालुका में राष्ट्रवादी ने मारी बाजी। काटोल तालुका भोरगढ़ नवरी राकापा में 9 में से 7, खंडाला राष्ट्रवादी में से 7, चाणकपुर मालेगांव में 9 में से 8 एनसीपी और पीडब्ल्यूडी, तो वहीं नरखेड़ तालुका धड़ी पावनी में 9 में से 9 है। जलकलकेड़ा 13 में से 10, महेंद्र 7 में से, खैरगांव 13 में से 10, गायक 7 में से 5, 9 में से अम्बाड़ा 7, 9 सईवाड़ा में से, 6 में से 9 मदना एनसीपी शिवसेना है, 7 में से 5 पालतू मुक्तापुर, 9 में से 6 जमगांव खुर्द, 9 में से 6 है। इस भारी जीत के बाद राष्ट्रवादी के सलील देशमुख ने जनता को बयान देते हुए कहा कि हर वादा होगा पूरा और साथ ही साथ राष्ट्रवादी को जिताने के लिए जनता का शुक्रिया अदा भी किया। नमस्कार, आताच आलेल्या निकालाप्रमाणे नरखेड तालुक्यातील 17 ग्रामपंचायत व काटोल तालुक्यातील 3 ग्रामपंचायत असे काटोल नरखेड विधानसभा क्षेत्रामध्ये 20 ग्रामपंचायती आहेत। या 20 ग्रामपंचायतीमध्ये आनंदाची गोष्ट आहे की काटोलमध्ये 3-3 व आता आले निकालाप्रमाणे 17 जे 10 मतमोजणी झाली आहे त्याच्यापैकी बहुधा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व त्या पद्धतीने महाविकास आघाडीला मानणारे त्यानिमित्तानं ग्रामपंचायत सदस्य हे निवडून आले, यांचं मी फार फार अभिनंदन करतो। ज्या अपेक्षेने ज्या आकांक्षेने त्या निमित्तानं आपल्याला जनतेने निवडून दिलं आहे ते आकांक्षा ते लोकांचे पूर्ण करण्यासाठी त्यानिमित्तानं आपण सगळे एक सोबत येणाऱ्या काळामध्ये काम करूया। आपल्या गावामध्ये विकास हा शेवटपर्यंत कसा जाऊ शकेल याचा परिपूर्ण प्रयत्न त्यानिमित्तानं प्रामाणिक प्रयत्न आपण करूया व लोकांची जी काही अपेक्षा आहे याला पूर्ण करायचा प्रयत्न त्यानिमित्तानं आपल्या सगळ्यांचा राहील। येणाऱ्या काळामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून जे काही चांगली योजना असतील, जे विकासाचं काम आहे ते आपल्या गावापर्यंत निश्चित पोहोचेल, हेच त्यानिमित्तानं बोलतो। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए काटोल से प्रतिनिधि की खबर।